सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी दोपहर में, और मैंने इसमें बताया है सारे लेवल्स की लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसा रहेगा, तो एंड में इसमें क्या हुआ उसकी हम बात करेंगे, और कहाँ से स्टॉक बढ़ा और कैसा इसमें सिनेरियो बन रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करूँगा, आज इसमें क्या होगा उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं इसके ग्राफ पर। तो पहले हम ग्राफ की बात कर लेंगे। तो इसमें कब क्या होने वाला है, हुआ था तो आज देखें तो 25 रुपये से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ था, फिर गिरते गिरते हो गया 24 रुपये का, फिर ये साइडवेज चलते गया, फिर 24 रुपये तक अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली और हो गया है 25 रुपये 50 पैसे का। 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हो 26 रुपये पर था स्टॉक, फिर 26 जुलाई तक ये हो गया 24 रुपये तक, फिर ऊपर उठा 25 रुपये 50 पैसे तक, फिर नीचे आ गया 25 रुपये 5 पैसे तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 25 रुपये 50 पैसे पर। तो अब ये ऊपर अगर आ गया तो ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा कल भी। तो अगर मैं बात करूँ 29 जून की, तो 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आ गया 28 रुपये 45 पैसे पर, फिर नीचे आया 25 रुपये 40 पैसे पर, फिर नीचे आ गया 24 रुपये 70 पैसे पर, फिर ऊपर गया 25 रुपये 50 पैसे पर। तो 6 महीने की अगर बात करूँ तो इसमें तेज़ी ही आपको देखने को मिलेगी। अगर 1 साल की बात करूँ तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 40 रुपये पर स्टॉक आप देख सकते हो 42.20 पर ट्रेड कर रहा था, नीचे आते हो गया था लगभग, ये हो गया था लगभग 21 रुपये तक का, अचानक से इसमें गिरावट आने लगी। देख सकते हो 6 अगस्त से 30 सितंबर तक एक ही महीने के अंदर अंदर स्टॉक ने गिरावट दे दी और 20 रुपये 21 रुपये पर ट्रेड करने लग गया। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं बात करूँ 5 साल की, तो स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया था लगभग 53 रुपीज़ तक, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर कोविड के कारण वो चले गया। और अगर जब मुकेश अंबानी ने इसे लिया था, लोग इंडस्ट्री को खुद ओन कर रहे थे, तब इस स्टॉक में थोड़ी बहुत जान आई, फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं बात करूँ इसका मार्केट कैप की, एक मिड कैप शेयर 12.61 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और अगर इसके हाई की अगर मैं बात करूँ तो 44.30 का इसका हाई है। आप देख सकते हो 44 रुपये का इसने हाई भी लगाया, 18 रुपये 65 पैसे का इसने लो लगाया, और प्रीवियस क्लोज की अगर बात करूँ तो 24 रुपये 95 पैसे इसका क्लोजिंग इसने दी है। तो अब बात कर लेते चार्ट की। तो चार्ट में हमने सीधा से पैटर्न बनाया, इस पैटर्न में जो नीचे की ओर हमने 2 ट्रेंड लाइंस बनाई हैं, इसके बात करेंगे हम। एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन जहाँ पर इसे ब्रेकआउट दिया था ऊपर की ओर, एक है सपोर्ट कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो आप देख सकते हो सिंपल सा ट्रेड है, सिंपल से हमने सेटअप जमा, और इसमें हुआ कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर गया, यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिला, एक मेन पॉइंट बन जाता है 32 रुपीज़ का। या फिर रिजेक्शन मिलने के बाद साइडवेज आता हुआ ये नीचे आ गया था 25 रुपये तक, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया 29 रुपये तक आया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर ये भी जाने की कोशिश कर रहा है। हो अगर ये नीचे भी आया तो यही से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा, हो सकता है 21 रुपये तक सपोर्ट ले ले, बट ऐसा नहीं होगा। अगर ये 27 रुपये से ऊपर भी बढ़ जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अच्छे हायर हाइज हमें देखने को मिल सकते हैं, और 32 का लेवल तो ईजिली हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो बात करते हैं पिछला इसमें लॉजिक क्या लगाया हमने, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से इस ट्रेड लाइन के नीचे ही स्टॉक काम कर रहा था, कई जगहों पे ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी बट दे नहीं पाया, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस लेवल तक। तो ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की बट नहीं दे पाया, यहीं से नीचे की ओर आया, नीचे चलता गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, चलता गया, फिर ऊपर रिजेक्शन देने ब्रेकआउट दिया, बड़े फेक ब्रेकआउट था, चल नहीं पाया, नीचे आ गया, जब अब सीधा नीचे मार गिर गया शेयर, फिर ऊपर गया और फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला सीधा स्टॉक ऊपर की ओर गया और नए हाई राइज बना दिए, और अब ये नए ब्रेकआउट्स की कोशिश करा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ मैं इसे 1 मंथ चार्ट फ्रेम पर ले जाऊँ तो आपको यहाँ पर एक चार्ट, यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, उस पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 58 पर इसे गिरावट देखने को मिली इस लेवल पे, यही से स्टॉक गिरा,
फिर क्या हुआ यहाँ पर साइडवेज जाता क्या है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया है साइडवेज जा रहा है, फॉलिंग वेजेस का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। इस पैटर्न में क्या हुआ कि ब्रेकआउट हमें मिल गया, इस पैटर्न में हमें ब्रेकआउट तो मिल गया। आप देख सकते हो ये जो ह्यूज कैंडल बनी है कहाँ तक, 19 रुपये से कैंडल सीधा 32 रुपये का, काफ़ी ह्यूज कैंडलें बनी है, लगभग मान लीजिए 13 रुपये तक की एक कैंडल है और एक कैंडल बनी, इसका मतलब कंफर्म हो गया। एक मन चार्ट फ्रेम पर हम बात कर रहे हैं तो हमें ब्रेकआउट तो यहाँ पे मिल गया, ब्रेकआउट तो हमें यहाँ पे मिल गया और ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया, स्टॉक ने रिटेस्ट भी कर लिया। और उसके बाद अगर मैं इसे और थोड़ा ईजी कर दूँ, इसे यहाँ लगा देते हैं और इसे यहाँ कर देते हैं और इसे हम सीधा इस इधर ले जाते हैं और इसे यहाँ कर देते हैं। हाँ तो अगर यहाँ पर भी हम ब्रेकआउट का वेट कर ले तो अगर हमें यहाँ कहीं पर भी सीधा, हम शेयर की बात करेंगे, पूरा जहाँ से ये उठा था जहाँ से गिरा था वहीं से हमने कैंडल्स बना दी, अपना पैटर्न्स बना दिए, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो, ब्रेकआउट अगर मिला तो देख सकते हो आप कितना इजी तरीके से ऊपर की ओर जा सकता है और कितना है बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक साल के लिए अगर सब पोर्टफोलियो में रखते हो तो 74 तक तो ये जाना ही जाना है, क्योंकि 58 का टारगेट इजीली अचीव करने वाला है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया 74 मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने इसके टारगेट दिए। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी मौका है क्योंकि स्टॉक अच्छे आग लगाने वाला है आने वाले टाइम में। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।